गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम लता सक्सेना, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकारांत पुरलिंग शब्द। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुरलिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुरलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बालः, छात्रः, अध्यापकः आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बाला, छात्रा, लता, अजा, अध्यापिका आदि। नपुंसक लिंग, वे शब्द जो ना पुरुष जाति का बोध कराएं ना स्त्री जाति का बोध कराएं, तो वो शब्द क्या होते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम। इनका ये ना तो पुरलिंग है और ना स्त्रीलिंग है, तो ये क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। इसी तरह से संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि शब्द की संख्या एक हो तो शब्द एक वचन में होता है, जैसे कोई चीज़ एक है तो एक के बारे में बात हो रही है तो वो एक वचन है, जैसे बाला, एक बालक, छात्रा, एक छात्र। अब है द्विवचन, यदि शब्द की संख्या दो हो तो शब्द द्विवचन में होता है, जैसे बालो, जहाँ पर ओ की मात्रा का द्विवचन में अधिकतर ओ की मात्रा का प्रयोग होता है, बालो, छात्रो, खगो, पिको आदि। बहुवचन, यदि शब्द की संख्या तीन या तीन से अधिक हो तो वहाँ पर बहुवचन होता है, जैसे बाला, छात्रा, अश्वा आदि। आम में अंत होने वाले पुरलिंग शब्दों को अकारांत पुरलिंग शब्द कहते हैं। यहाँ अकारांत पुरलिंग शब्दों का तीनों वचनों में अभ्यास बताया गया है। थैंक यू।